आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलने के हैं आसार। पहली बार सरकार पेश करेगी चाइल्ड बजट। किसान, महिला और युवाओं पर रहेगा फोकस। सीएम भूपेश बघेल पेश करेंगे छत्तीसगढ़ का बजट। 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है बजट। किसान, मजदूर, बेरोजगार और कर्मचारियों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा। नौकरी के आंकड़ों पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा। बाहर 2,00,000 नौकरी देने का दावा। सीएम ने सदन में 20,000 नौकरी देने की बात कही। सीएम और नेता प्रतिपक्ष में हुई बहस। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। पिछले साल 11.5% रही जीडीपी। प्रति व्यक्ति आय में करीब 12% बढ़ी। कृषि, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही गति। भोपाल में गौशाला के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एसडीएम दफ्तर का घेराव। बैरसिया में गायों की मौत मामले में आरोपी को बचाने का लगाया आरोप। गौरेला, पैंड्रा, मरवाही में कांग्रेस पार्टी में कांग्रेसियों की संख्या बढ़ाने सदस्यता अभियान शुरू किया गया। डिजिटल सदस्यता अभियान में सक्रिय सदस्यों को संगठन में मिलेगा स्थान। उमरिया पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं को दी कानून की जानकारी। प्रमोद कुमार सिन्हा ने अपराध सुपरविजन के दौरान ग्रामीण विद्यालय में विद्यार्थियों की क्लास ली। धार में कुत्तों के काटने से घायल बच्ची के इलाज के लिए कलेक्टर ने रेडक्रॉस से स्वीकृत कराए 20,000 रुपए। बच्ची के बेहतर इलाज के लिए कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के डीन से भी की बात। महासमुंद में अवैध रूप से संचालित डामर प्लांट के खिलाफ धरना प्रदर्शन। डामर प्लांट के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज शिकायतकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। भिंड में बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने का दावा हुआ धाराशाही। सीसीटीवी बंद होने की शिकायत पर भी शिक्षा विभाग ने नहीं लिया संज्ञान। बिलासपुर में पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चरित्र शंका को लेकर की थी पत्नी की हत्या। बिलासपुर में दाल मिल से 1,50,000 की वसूली कर अगस्त 2021 में फरार हुआ था नौकर। पुलिस ने आरोपी को नया बस स्टैंड से किया गिरफ्तार। राजनांदगांव में राज्य शासन के निर्देश पर समर्थन मूल्य में किसानों से उनके धान की उपज खरीदी की गई। जिले के 148 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी हुई है। डिंडोरी में सवारिया से भरा ऑटो बेकाबू होकर पलटा। हादसे में 1 की मौत, 15 लोग घायल। समनापुरा थाना क्षेत्र के ग्राम किकरझर घाट में हुआ यह हादसा। ग्वालियर में नशे के आदि युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या की कोशिश। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गरियाबंद को रासायनिक गुलाल से बचाने में जुटी 3 महिला समूह। तीनों समूह की 30 महिला बना रही हैं हर्बल गुलाल। देवास में आकाशीय बिजली गिरने से 1 युवक समेत 2 गायों की मौत। खेत में गाय चराने गया था युवक। सुकमा में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 14 किलो गांजा बरामद। बलरामपुर में निर्माणाधीन कुएं में डूबने से बच्ची की मौत। खेलने के दौरान कुएं में गिरी थी बच्ची। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बीच एक और प्रतिबंध। अमेरिका ने लगाया रूस पर बैन। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का फैसला। रूस से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला का आयात बैन। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण रोकने की कोशिश। पहले भी अमेरिका और यूरोप के देश लगा चुके हैं प्रतिबंध। ज़ेलेंस्की ने की थी अमेरिका से रिक्वेस्ट। रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने का अनुरोध। ज़ेलेंस्की की अपील, अमेरिका का फैसला। रूसी कच्चा तेल, कोयला, गैस का आयात रोकने का भी निर्णय। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, पूरा यूक्रेन जीतने में पुतिन कभी भी नहीं होंगे सफल। बाइडेन ने कहा पुतिन ने लगता है ले लिया है फैसला, नहीं छोड़ेंगे खून खराबा का रास्ता। बाइडेन का बयान, 20,00,000 यूक्रेनियंस को पुतिन ने बनाया शरणार्थी। रूस ने जारी रख सकता है आगे बढ़ना, लेकिन चुकानी होगी गंभीर कीमतें।
बाइडेन का बयान, पुतिन जीत सकते हैं एक शहर लेकिन नहीं जीत सकते यूक्रेन। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तेल के बड़े दाम, अमेरिका में करीब 45 सेंट प्रति लीटर महंगा हुआ तेल। बाइडेन का ऐलान, अमेरिका में तेल के दाम कम बनाए रखने की होगी पूरी कोशिशें। अमेरिका ने यूक्रेन को दी $1 बिलियन से ज्यादा की सुरक्षा मदद, दूसरों देशों से हथियार दिलाने के लिए संपर्क में अमेरिका। अमेरिका तेल और गैस कंपनियों से बाइडेन ने कहा, दाम बढ़ाने के लिए बहाना ना बनाएं। बाइडेन ने की अमेरिका कंपनियों की तारीफ, रूस से निकलने और बैन लगाने में अमेरिका कंपनियां कर रही हैं दुनिया का नेतृत्व। बीपी नहीं खरीदेगी रूस से तेल, कहा रूस से तत्काल तेल और गैस की खरीदें रोकना संभव नहीं। बीपी ने कहा, रूस की कंपनियों के साथ लंबी अवधि के समझौते, जल्दी नए विकल्प ढूंढने में होगी परेशानियां। यूक्रेन ने किया फैसले का स्वागत, जेलेंस्की ने कहा पुतिन की बार मशीन पर सीधी चोट। जेलेंस्की की दुनिया के दूसरे देशों से भी अपील, लगाएं अमेरिका जैसा प्रतिबंध। नाटो की जेलेंस्की ने फिर की आलोचना, कहा यूक्रेन को जो चाहिए वो नहीं कर रहा संगठन। जेलेंस्की ने कहा, हम हार नहीं मानेंगे और हारेंगे भी नहीं। ब्रिटिश संसद ने जेलेंस्की को दिया स्टैंडिंग ओवेशन। यूएनएचसीआर ने कहा, करीब 20 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। करीब 10 लाख यूक्रेन के लोगों ने पोलैंड में ली शरण, 7 लाख से ज्यादा लोगों ने दूसरे देशों में ली शरण। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की मीटिंग, लंदन पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया हंगरी के नेताओं के साथ V4 समिट। नाटो का बड़ा बयान, पुतिन ने यूक्रेन को कम करके आंका। यूरोप में कनाडा में बढ़ाए सैनिक तैनात किए 540 सैनिक। स्पेन ने कहा, दुनिया यूक्रेन के साथ, पुतिन अकेले पड़े। आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास होने का अनुमान। बजट में सभी